Hi guys, this is Tarun Khanna and you're watching me on Teleglam. Hi Tarun, welcome to Teleglam. Hi. So firstly, many congratulations. एक माइकल शो फिर से एक बार एक माइकल शो में आ रहे हो. क्या कहना चाहोगे जब यू नो अप्रोच किया गया? What was your first reaction? Your first word came to your mind? Thank you so much. ऑनेस्टली जब अप्रोच किया गया था इस रोल के लिए तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं था मैं, थोड़ा रिलक्टेंट था. तो इनिशियली तो मना ही किया था, लेकिन जैसे जैसे फिर डिस्कशन दो तीन बार और हुई, दे केप्ट ऑन कॉलिंग एंड दे, ऐसा नहीं कहूँगा कि कन्विंस बिकॉज वो ठीक नहीं लगता, मेरे दोस्त हैं सब लोग, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे एप्रीहेंशंस क्या हैं, व्हाट आर द फियर्स दैट यू हैव. तो मैंने बोला मैं आई डोंट सी एनी हीरो इन इंद्र. तो उन्होंने बोला ये तू हम पर छोड़ दे, हम लोग इंद्र को एक बहुत हीरोइक कैरेक्टर बनाकर दिखाने वाले इस बार. एंड आई एम श्योर जैसा उन्होंने कहा, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सेड यस टू देम बिकॉज दे हैव लिव्ड अप टू देयर प्रॉमिस. इंद्र इंद्र भगवान की अगर बात करें सो ये कैरेक्टर में व्हाट वाज वन चैलेंज और व्हाट आर द चैलेंजेस यू वर फेसिंग? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप एक ही साथ में, इट्स अ ही इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स. हम बोलते हैं इंद्र भगवान और साथ में हम नेगेटिव भी बोल देते हैं उसको. उसका काम एक भी भगवान वाला नहीं है ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन स्वर्ग का राजा भी हम उसी को बना देते हैं. अब एक आदमी जो नेगेटिव है वो साथ में स्वर्ग का राजा भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, दे डोंट गो हैंड इन हैंड. यहाँ तो आप अच्छे आदमी होते हो यहाँ बुरे आदमी होते हो. आप ग्रे हो, ग्रे आदमी होकर आप स्वर्ग के राजा नहीं बन सकते हो. तो मुझे ये चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगा. फिर जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो फिर मैंने बोला कि मैं इसको इस तरीके से किसी के साथ में भी मेरा जो इंटरेक्शन होगा, चाहे वो महादेव के साथ ही क्यों ना हो, क्योंकि सीन तो मेरे सबके साथ में ही होते, तो मैं किसी के साथ में भी सीन जब करूँगा तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मेरी राइटियसनेस कम नहीं होनी चाहिए. मेरा बिलीफ इन माय यू नो व्हाट इज़ माय मोटिव इन लाइफ, व्हाट इज़ माय ओनली मोटिवेशन इन लाइफ इज़ टू कीप स्वर्गलोक secure and safe and all the devtas secure and safe. No harm should ever come to them. ये मेरी लाइफ का इकलौता वो मकसद है. अब अगर इस मकसद में कोई भी अड़चन डालने की कोशिश करेगा तो आई विल गो टू एनी लेंस टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम माई पाथ. मैं खुद से जाके, मैं कभी किसी के साथ पहल करता ही नहीं, दूल मैं छोड़ता नहीं. मेरा बड़ा सीधा सा उसूल है कि मैं किसी की तरफ टेढ़ी आँख नहीं करूँगा, लेकिन किसी ने मेरी तरफ की मैं दोनों आंखें फोड़ दूंगा, मैं एक भी नहीं फोड़ूंगा. ओके, इस कैरेक्टर के चैलेंजेस की तो बात हो गई, बट लुक की अगर बात करें सो लुक में यू नो हाउ मच यू आर लाइकिंग योर लुक और कितने डिफिकल्टीज होती है स्पेशली इन समर टाइम? हां, लुक आई एम लविंग इट, लेकिन सिर्फ फोटो में. ये फोटो में बहुत अच्छा लग रहा है. जितना अच्छा मुझे इस फोटो में खुद को देख के लग रहा है उतना ही डिफिकल्ट इस लुक को पहनने में लगता है, क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा तंग करने वाली है, कपड़े भी बहुत गर्मी वाले हैं, विग पहनी होती है, विग के ऊपर मुकुट भी होता है जो सर में गड़ता है, इस जगह हर रोज एक होल हो जाता है, तो वो बहुत तकलीफ देह है. आप, मैं वर्ड्स में बता नहीं, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू बाइट्स, तो बहुत दर्द होता है, लेकिन अब ये है कि काम है. सी आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन द टॉप 5 ऑफ इंडिया. नंबर 1 बनता है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत होती है, और अब तक बहुत हुई है, लेकिन आई बिलीव कि और होनी चाहिए और हो सकती है, और ज़्यादा किस्मत थोड़ी सी अगर साथ दे दे तो हम लोग शायद इंडिया में नंबर 1 हो जाए. टॉप 5 में तो हम आएंगे. गाइज यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड टूवर्ड्स मी. मेरे आपने शोज पसंद किए हैं, मेरे लिमिटेड टैलेंट के बावजूद आपने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, प्यार दिया है, तो प्लीज़ इस रोल में भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ी सी इज्जत दीजिए और इस शो को हिट बना दीजिए. थैंक यू.